हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम हीरोज़ कंपनी का बैकपैक देखने वाले हैं जो कि 3 से 4 दिन के ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 45 लीटर है, इसमें 28 लीटर का ऑलरेडी आता है, उसकी हम अनबॉक्सिंग रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 45 लीटर का हमने लिया है, 3 से 4 दिन की ट्रिप के लिए आप आराम से इसमें यूज़ कर सकते हो। 17 इंच का अप्रॉक्सीमेटली लैपटॉप इसमें बैठ जाता है। सारे नोटबुक्स के लिए हर चीज़ डिटेल में बताने की ट्राई करूँगा दोस्तों। इस बैग के बारे में बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है और हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके आगे एक जो आता है पोर्शन वो फुल डीप है। ये जो आप छोटी सी चेन देख रहे हो फुल अंदर तक जाएगा, आपको खोल के बता देता हूँ। ज़िप की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसमें देखो मेरा पूरा हाथ घुस गया, इतनी अंदर जगह आ जाती है। टोटल 45 लीटर्स का है ये और हर जगह पर बहुत अच्छी पैडिंग करके दी गई है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप देख सकते हो अंदर कितनी सारी जगह आ जाती है। इसके टॉर्च से दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, ताकि आप बढ़िया तरीके से देख पाओ। बहुत ही शानदार तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। अब और इसका जो फ्रंट है वो भी रेडियम वाला है, वो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, सोच रहा हूँ टॉर्च से दिखाने की ट्राई करता हूँ। ये जो हीरोज़ लिखा हुआ है ना, वो रेडियम जैसा दिखता है, मतलब रात को रिफ्लेक्टिव टेप जैसा काम करेगा। ये वाली चेन बंद कर देता हूँ, अभी दूसरी वाली चेन बताता हूँ। थोड़ी अटक रही है क्योंकि नई नई है और पूरा बैग खाली है। ये इसका सेकेंड कंपार्टमेंट है जैसा कि आप देख सकते, तो यहाँ पे भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। अंदर फुल्ली डीप जगह मिल जाती है और प्लस 3 छोटे कंपार्टमेंट विद एक जिप वाला कंपार्टमेंट है। आप वहाँ पे भी अपना छोटा दवाई वगैरह जो भी सामान रखना चाहो रख सकते हो। सबकी स्टिचिंग कितनी वेल फिनिश्ड है आप देख सकते हो। यहाँ पे जिप दी गई है, वो भी फुल डीप कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है। इसमें बहुत सारी स्पेस दी गई है, प्लस इसका प्राइस 1,345 रुपये अभी चल रहा है। AH क्रिएशन ही बेचता है। अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से भी ज़्यादा इस बैग की रेटिंग है, अप्रॉक्सीमेटली 6,000 होने ही वाली है। 4.5 स्टार वाला प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टॉप सेलिंग में आता है और इसमें बहुत सारे कलर्स भी आते हैं। आप अपनी पसंद से चेकआउट करके ले सकते हो। बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये दोनों मैं खोल देता हूँ, यहाँ पे पानी रखने की जगह है वो भी बताऊँगा। ये इसका मेन कंपार्टमेंट है दोस्तों, उसके नीचे जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है वो इसका रेन कवर है। और आप जैसा कि देख सकते हो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है। अगर आप अच्छे से पैकिंग करोगे तरीके से तो आप आराम से 3 से 4 दिन की इसमें पैकेजिंग कर सकते हो। 45 लीटर कैपेसिटी है, हमारे पास एरिस्टोक्रेट का 45 लीटर का बैग ऑलरेडी है। ये भी हमने वीडियो के पर्पज़ से लिया और हम इसे यूज़ भी करने वाले हैं, उस हिसाब से लिया है। और ये देखो, ये आपको इसमें वॉलेट वाला पॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर आप पैसे या मेन सामान कुछ भी रख सकते हो। इसकी ओपनिंग पीछे से है, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी सारी जगह है, अंदर रेन कवर के साथ में मिलता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं ये बंद कर देता हूँ। ज़िप की क्वालिटी पे मुझे कोई भी टाइप का डाउट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये देखो, यहाँ पे आप 1 लीटर की पानी की बॉटल आराम से रख सकते हो। दूसरे साइड भी आपको 1 लीटर का ही जगह मिल जाता है, बट मुझे लगता है 500 ml की प्लास्टिक बॉटल ज़्यादा बेटर होगी। और ये देखो, यहाँ पे ये हुक दिए है स्ट्रैप बंद करने के लिए, अगर आप करना चाहो तो। ये रस्सी क्यों है ये मुझे अभी तक डाउट है, किसी को अगर पता है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई छोटी मोटी चीज़ टांगने के लिए दी गई है इलास्टिक। ये देखो, इसका जो ऊपर का रहता है वो निकल गया है, ये मुझे काट के वापस से अच्छे से इसकी फिक्सिंग करनी पड़ेगी, वरना ये कभी भी निकल जाएगा। ये करके देना चाहिए था बट नहीं दिया है। आपके सामने है दोस्तों, जो भी है जैसा भी है, बट बैग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सिर्फ अगर इस पार्ट को इग्नोर कर दे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बैग रहते हैं हीरोज़ के। ये देखो, ये रहा इसका ऊपर वाला वॉलेट वाला पॉकेट, उसकी भी जिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अंदर आप देख सकते हो वो जो आपने देखा था उतनी जगह मिल जाती है। आप इसमें छोटा मोटा जो भी चाहे वो सामान रख सकते हो, हेडफोन वगैरह या जो भी आपका सामान हो। और बहुत सारा कंफर्ट के साथ आता है, ये हेडफोन रखने वाला मिल जाता है, इसको तो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कुछ काम नहीं आता। आप देख सकते हो पीछे का पोर्शन, देखो इसका पैडिंग, देखो क्या ज़बरदस्त पैडिंग दी गई है, एकदम सॉफ्ट वाली।
चेस्ट स्ट्रैप से लेकर वेस्ट स्ट्रैप सब कुछ है। बहुत बढ़िया पैडिंग दी गई है दोस्तों, एकदम एक नंबर पैडिंग दी गई है। कंफर्ट के मामले में कोई भी कमी नहीं दी गई है। जब भी आप अपना सामान रखोगे आपको कोई भी टाइप का लोड नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें एक नंबर पैडिंग दी गई है दोस्तों। और ये रहा आपका वेस्ट स्ट्रैप, वेस्ट स्ट्रैप के ऊपर भी दो छोटे छोटे पॉकेट दिए गए हैं, ये नहीं भी देते तो चल जाता। और ओके, यहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो कुछ भी रखना चाहो तो। मुझे लगता है कि इनकी ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, एडिशनली ये लोगों ने ऐड कर दिया। उसमें भी काफ़ी मस्त वाली पैडिंग दी गई है वेस्ट स्ट्रैप के लिए और वो भी एडजस्टेबल है। दूसरे साइड पे भी वैसा ही पॉकेट दिया गया है, वो भी एडजस्टेबल है विथ पैडिंग, और वैसा ही क्वालिटी, सब कुछ वैसा ही दिया है, एडजस्टेबल है। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये मुझे बहुत पसंद आया। बस इस पे पॉकेट नहीं होते तो ज़्यादा बेटर होता, मुझे ऐसा लगता है। इतने छोटे छोटे पॉकेट वैसे भी क्या काम के, बट दे दिए हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी हुक्स की बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले हैं। और ये देखो शोल्डर स्ट्रैप पे, यहाँ पे कुछ भी छोटा मोटा सामान, नाइफ वगैरह रखने के लिए आपको जगह दी गई है। और ऊपर से भी एडजस्टेबल है, और ऊपर से भी एडजस्ट करने के लिए दिया है, नीचे से भी एडजस्ट करने के लिए दिया है। डबल लोड दिया है, मतलब डबल हुक दी है, मतलब अंदर से भी, उधर से भी सिलाई है और उधर से भी लाई है। इन शॉर्ट डबल स्ट्रेंथ मिल जाती है बैग को, आप कितना भी सामान रखोगे कुछ नहीं होगा। और शोल्डर पैडिंग भी बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। ये चेस्ट के लिए ये दिया गया है, हुक दिया गया है, बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट है, एकदम कंफर्टेबल है, एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है दोस्तों। फुल पैकेज के साथ आता है, इसको पहन के आप भागो वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सुपर्ब। और यहाँ पे ये येलो कलर का हैंडल दिया है पकड़ने के लिए। वैसे वो हैंडल दिया था पैडेड वाला, इतना अच्छा ये नहीं भी देते तो चल जाता मुझे लगता है, बट ठीक है, एडिशनली दिया है, अच्छा लग रहा है। दोस्तों इस बैग का नाम है हीरोज हैमर, इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट उसके पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हीरोज तो ऊपर लिखा हुआ है और हैमर मॉडल लिखा हुआ है। नीचे से भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका रेन कवर, और नीचे भी देखो कितनी बढ़िया तरीके की मैटिंग दी गई है रबर की, ताकि नीचे से घसे नहीं, आप रफ एंड टफ इसे यूज़ कर सके। इसे बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है दोस्तों। हावेवर 1345 रुपये में मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट ये एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा है। पॉलिएस्टर फैब्रिक यूज़ किया गया, बहुत बढ़िया वाला। ये देखो यहाँ पर रेन कवर मिल जाता है, ये स्ट्रैप क्यों दिया है मुझे नहीं पता, बट रेन कवर इसके साथ में हमें मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है दोस्तों। बहुत ज़्यादा बढ़िया पॉलिएस्टर फैब्रिक के साथ में आता है, एकदम मजबूत। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हो इसकी स्टिचिंग फिनिशिंग कितनी बढ़िया है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को एकदम फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों को ये बैग कैसा लगा वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। आप लोगों की कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी हो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।